गौकर्ण जी का एक एक शब्द शास्त्रों का सार सूत्र रूप में लिए बैठा है। अपने पुत्र के उस उपदेश को सुनकर के तुरंत आत्मदेव ने गृह त्याग कर दिया, वन को गए, भागवत का खूब पाठ करते हुए आत्मदेव का उद्धार हो गया। अब आत्मदेव का तो उद्धार हो गया, उधर धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को मारना पीटना चालू किया कि माताजी बताओ माल के धर है, पिताजी सब तुम्हें बता के गए होंगे। क्वित्तम तिष्ठति ब्रूही, जल्दी बताओ माल के धर है। जब मारा पीटा तो एक दिन माता धुंधली ने भी रात में चुपचाप घर छोड़ के भाग गई और कुआ में गिर के आत्महत्या कर ली। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनंगता। गौकर्ण जी ने मन में सोचा अब हमारा नंबर आ गया, पिताजी भजन करने गए, माताजी कुआ में गई, अब धुंधकारी के साथ हम कैसे रह पाएंगे अकेले। तो गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के बहाने घर से निकल पड़े। धुंधकारी अब परम स्वतंत्र अकेला घर में रह गया। सबसे पहला काम किया, पांच गणिकाओं को वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया और उनको खुश करने के लिए चोरी डकैती बहुत करने लगा। एक दिन पांचों ने देखा इसके पास माल बहुत है और आगे पीछे कोई नहीं है, तो रात में ही उसको पिला के सुला दिया और गला दबा के मारने की कोशिश करी। सो चिल्लाने लगा, जैसी चिल्लाया तो कहीं रहस्य न खुल जाए, इस डर के मारे एक चूल्हे से आग भर के लाई और चिल्लाते हुए इस धुंधकारी के मुंह में आग के अंगारे भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगतः। आग के अंगारों से मुंह भर के तड़पा तड़पा के धुंधकारी को मार डाला, गड्ढा खोद करके रात में ही आंगन में दफना भी दिया, गाड़ दिया, किसी को पता न चले। सनकादिक यह घटना नारद जी को सुनाते हुए कहते हैं, नारद जी प्रायः साहसिको स्त्रियः, ये स्त्रियां वैसे तो अबला होती हैं, भीरू कही जाती हैं, माने डरपोक, अबला जिनमें बल न हो, कोमलांगी होती हैं, परंतु इनका माथा यदि घूम जाए तो इनमें साहस बहुत जबरदस्त होता है। आप सोचते ही रह जाओगे ये तुरंत एक मिनट में करके बैठ जाए, परिणाम पर ध्यान नहीं देती, फिर क्या होगा। यदि माथा गर्म हो गया तो कुछ भी कर सकती हैं। ये सनकादि कह रहे हैं प्रायः साहसिको स्त्रियः, स्त्रियों में बहुत साहस होता है, साहस चपल है। रावण ने भी 8 दोष गिनाए हैं, अब गुण 8 सदावन रहे। सनकादिक भी कह रहे हैं स्त्री नाम नैव तु विश्वासः दुष्टानाम कारेत बुधः, जो पैसों पर बिकने वाली स्त्री है उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदयम छुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम। ऐसी स्त्रियों की वाणी में बड़ी मिठास होती है, मीठी मीठी बातें करती है, पर हृदय में छुरा चलता है कि इसको कैसे काटा जाए। इसलिए ये धुंधकारी के प्रसंग में सनकादिक कह रहे हैं, क्योंकि जिन स्त्रियों ने मिलकर के धुंधकारी को मारा, धुंधकारी उन्हीं के लिए सब कमा कमा करके ला रहा था, उन्होंने ही ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उनकी प्रीति तो केवल धन से थी, व्यक्ति से थोड़ी थी। जब तक आप पैसा दे रहे हो तब तक आप उनके प्रिय हो, पैसा समाप्त तो धक्का मार के भगा देते हैं या आपको ही ठिकाने लगा देते हैं। इसलिए उनकी समीक्षा की सनकादि को, किस प्रकार की स्त्रियों पर जो दीवाने हो जाते हैं उनकी गति धुंधकारी जैसी ही होती है, मारे जाते हैं। लोगों ने पूछा उन देवियों से कि आजकल तुम्हारे धुंधकारी नजर नहीं आ रहे, कहां है।
तो जवाब दिया वो हमसे कह के गए कि हम परदेश जा रहे हैं, विदेश बहुत सारा व्यापार करके माल लेके आएंगे, पर समय ज्यादा लगेगा, आप देखें कब आएंगे। आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों ने पूछा तो इस प्रकार से बातें बना के टाल दिया और सारा माल का आपस में बंटवारा करके चली गई। अब अकाल मौत मरा हुआ धुंधकारी भयंकर भूत बना, घर में ही भटकने लगा क्योंकि वहीं गड़ा था, संस्कार कुछ किए नहीं, अंतिम संस्कार तो हुआ नहीं, भयंकर प्रेत बन गया। अब घटना जब गोकर्ण जी के कान में पड़ी कि भैया पधार गए, तो लौट के अपने घर आए, रात में जैसे विश्राम किया कि आधी रात पर एक भेड़ का बच्चा आंगन में घूमता दिखाई पड़ा। गोकर्ण जी डंडा लेके उसे भगाने को निकले तो उसके पास जाते वो भेड़ एकदम भैंसा बन गया, फिर एकदम हाथी बन गया। गोकर्ण जी घबरा गए, ये क्या बला है भाई। सकरन महेशा सकृत धस्ती पुनश्च महेशो भवत, अनेक अनेक रूप बना करके डराने लगा। गोकर्ण जी डर गए, हाथ जोड़ के बोले भैया जी कस्तम, आप कौन हैं? तो बार बार संज्ञा मात्रम चकार इशारा करता है कि मैं बोल नहीं सकता, कुछ बोल नहीं पाया। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जो मंत्र पढ़ करके मारा कि उस प्रेतात्मा को वाणी प्राप्त हो गई, बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेन तम्मत्वं नाशितं मया। अब धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी, कर्मणो नास्ति संख्या में, मैंने कितने पाप किए हैं कोई गिनती नहीं है, उसी पाप का परिणाम है कि प्रेत बना पड़ा हूं। ब्राह्मण शरीर पा करके भी मैंने इतने पाप कर्म किए कि अपना घोर पतन कर लिया और प्रेत बन गया। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। देखो वैसे तो बर्तन सब बराबर ही हैं, परंतु पात्र पात्र में भी भेद होता है, किस बर्तन में कौन सी वस्तु कितनी महत्वपूर्ण होती है। स्टील के भी बर्तन हैं, कांसे का भी बर्तन है, तांबे के भी बर्तन हैं, चांदी के भी बर्तन हैं, सोने के भी बर्तन होते हैं, तो वस्तु तो सब में आ जाएगी, पर फिर भी पात्र के भेद से वस्तु की दिव्यता बढ़ जाती है। सोने के बर्तन की खीर का महत्व अलग है, चांदी के बर्तन की खीर का महत्व अलग है, और वही खीर तांबे के बर्तन में रख दो तब, तांबा वैसे बहुत बढ़िया होता है पर दूध उसमें नहीं रखना चाहिए। तो हर पात्र का भी प्रभाव पदार्थ के ऊपर पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य तो सब हैं, परंतु चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जो चारों वर्णों में ब्राह्मण शरीर जो है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से उद्धव से कह रहे, ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का जो शरीर है वो क्षुद्र कार्यों के लिए नहीं है। तो बोले प्रीत्यानंत अनंत सुख पाने के लिए है। जो आनंद सिंधु सुख राशि परमात्मा हैं, जो सच्चिदानंद घन हैं, उस परम सुख को पाने के लिए ही भगवान ने ब्राह्मण शरीर दिया है, और हम विषयों में ही उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। तो धुंधकारी स्वयं कहता है स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था पर इतना पापी निकला कि अपने उन पाप कर्मों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व ब्रह्मत्व सब नष्ट कर दिया,
और उसी का परिणाम है कि प्रेत बना इस भवन में भटक रहा हूं। जिन स्त्रियों से प्रेम किया उन्होंने ही मुझे इस धरती में गाड़ दिया। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमुचे। हे भैया, और तो जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, बस एक ही सौभाग्य कि तुम जैसा भाई हमको मिला है, तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं सीधा गया गया और गया में जाके तेरे नाम का पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गया में श्राद्ध करने से तो प्रेत तर जाते हैं। धुंधकारी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया 100 श्राद्ध भी कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर एक के पापी हैं, श्राद्धों से तरने वाले नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध से भी कुछ नहीं होगा। गोकर्ण जी ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया तब तो आप पधारो, अब तुम्हारे उद्धार का कोई विशेष उपाय करना पड़ेगा, पर इस समय हमें तुमसे डर लग रहा है, इसलिए इस समय आप पधारो। सोई धुंधकारी गायब हो गया। अब गोकर्ण जी बैठ के विचार करने लगे, क्या उपाय किया जाए भाई इसके लिए। रात भर जागते रहे, सोचते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। प्रातः होने पर क्षेत्र के सारे विद्वानों को बुला के विद्वत गोष्ठी करी, सबके बीच में प्रश्न रखा, भाई आप लोग बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे किया जाए। और रात्रि की पूरी घटना सुनाई। अब बड़े बड़े विद्वान अपना सिर खुजलावे कि जब 100 श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हो सकता तो अब कौन सा उपाय बताए भाई। सबने सिर हिला दिया, अपने बस की बात नहीं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूही में मुक्ति हे तुकम। हे जगत के साक्षी भगवान नारायण, सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है, नारायण का तेज है, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। प्रभु आप ही बता दो मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को विधि पूर्वक भागवत सप्ताह श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी सुन के गदगद हो गए, विद्वान तो स्वयं थे ही, तुरंत भव्य आयोजन किया, सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करके उस पर विराजमान हो गए। हजारों श्रोता उमड़ पड़े, कथा गोकर्ण जी ने स्वयं कहना प्रारंभ किया। जैसी कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी आया और 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके बैठ गया, क्योंकि भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में ही उड़ जाते हैं, तो बैठ के कथा कैसे सुनेगा। बांस भीतर से पोला होता है, इसलिए उसमें घुस गया, उसी में बैठ के प्रेम से कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से बांस की एक एक गांठ चटकती ले गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन में 7 बांस की गांठें चटक गईं और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। 7 दिन का सप्ताह संपन्न होते ही दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी उसमें से प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। हाथ जोड़ करके व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने भागवत की महिमा को गाना प्रारंभ कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को भी आज पवित्र बना दिया, पावन कर दिया, मुक्त कंठ भागवत की गौरव गाथा गाए जा रहा था। इतने में गड़गड़ाता हुआ आकाश मंडल से एक विमान आया,
भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उस विमान में बैठाया और जैसे ही ले जाने लगे गोकर्ण जी ने रोका, सुनो सुनो भैया एक मिनट हमारी भी सुन लो, कहो। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। भैया यद कथा सुनने से ही मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार हो रहा है तो अकेले मैंने धुंधकारी को कथा नहीं सुनाई, हजारों लोगों ने बैठ के सुनी है वही कथा, तो आप इन सबको विमान लेके क्यों नहीं आए? भगवान के पार्षदों ने कहा गोकर्ण भैया श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। कथा निश्चित रूप से सबने सुनी पर श्रवण के भेद से कथा में भेद, फल में भेद हो गया। पानी बरसा सभी के ऊपर गिरा, पर वही बरसात की बूंद है तो एक सी, पर जब गंगा जल में गिरी तो गंगा जल बन गई, दूध में गिर गई तो दूध बन गई, सीपी में गिर गई तो मोती बन गई, सर्प के मुख में गिर गई तो जहर बन गई। पात्र भेद से परिणाम भेद होता है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। बोलो राधे राधे। श्रोता वह है जो चित्त लगा करके ध्यान पूर्वक सुने और सुनने के बाद फिर उस पर विचार करे, चिंतन करे, मंथन करे और जब मंथन करने के बाद जो समझ में आवे उसको अपने आचरण में उतार ले, जीवन में उतार ले कि कथा से हमने ये सुना, ये सीखा, ये समझा और आज के बाद हम ऐसा करेंगे। श्रवण मनन निदिध्यासन, इस विधि से जो सुनता है वो श्रोता होता है। गाय घास चरती है दिन भर इधर उधर घूम के और फिर जब घास चर के बैठती है अपने स्थान पर आकर के तो रौंत कर ज्वारी करती है, बैठे बैठे मुंह चलाती रहती है ना, क्यों? बोले जो उसने दिन भर चरा है उसको जब चबाएगी तभी वह पचेगा। केवल खाने से नहीं पचता, चबाने से पचता है। नहीं चबाएगी तो घास पचेगी नहीं। ऐसी ये सुनना है ना, ये तो घास चरना है, पर जो सुना है उस पर जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तब वह पचेगा, तब हृदयंगम होगा। और हम लोग पल्लू झाड़ कथा सुनते हैं, यहां सुनी यहीं झड़ाई और चल दिए तो कैसे पचेगा भाई? इसलिए बहुत से लोग जीवन भर कथा सुन के भी कोई सुधार उनके जीवन में नजर नहीं आता, चिकने घड़े बन जाते हैं। एक सेठ जी नियम से कथा सुनने आते थे, एक दिन नहीं आए तो ब्यास जी ने दूसरे दिन टोका कि कल आप नजर नहीं आए कथा में, आप तो हमारे नित्य नियमित श्रोता हैं, कल कहाँ रह गए? सेठ जी बोले महाराज मैं तो कल भी आ रहा था कथा सुनने पर बेटा पीछे पड़ गया, पिताजी मैं ही चलूंगा, मैं भी चलूंगा। मैंने कि तू क्या जाने कथा सुनना, कल का बच्चा है घर में ही रहे। नहीं नहीं पिताजी मैं चलूंगा, बहुत जिद किया तो मैं फिर मेरे को ही कहना पड़ा, चल आज मैं ही नहीं जाता, इसलिए रुक गया। ब्यास जी बोले सेठ जी यदि वो कह रहा था तो कोई गलत क्या कह रहा था, वो भी आ जाता तो ये तो और अच्छा रहता, बच्चों को बचपन से ही संस्कार मिलते हैं, उसे तो जरूर लाना चाहिए, उसे क्यों नहीं लाए? सेठ जी बोले महाराज जी अब देखो यदि वो भी मेरे साथ चला आता फिर दुकान पे कौन बैठता? ब्यास जी ने कहा सेठ जी एक दिन दुकान यदि थोड़ा विलंब से ही खुलती या नहीं भी खुलती तो कितना नुकसान हो जाता, पर बच्चे कथा में आते इसको सीखते सुनते तो उनका कल्याण होता कि नहीं? एक दिन के लिए कितना नुकसान हो जाता तुम्हारी दुकान का।
अंत में हाथ जोड़ के सेठ जी बोले, महाराज नुकसान की चिंता नहीं है, हानि लाभ तो हम लोगों को होता ही रहता है। डर इस बात का था कि वो कथा में आता और वो आप तो एक ही सिखाते कि सत्य बोलो सत्य तोलो, और उसके दिमाग में ये बात चढ़ जाती तो फिर मेरी दुकान कैसे चल पाती। बोलो राधे राधे। पंडित जी बोले, सेठ जी जब इतने वर्षों से तुम लगातार हमारी कथा सुन रहे हो, जब तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक दिन में तुम्हारे बेटे पर क्या फर्क पड़ता। सेठ जी बोले, माफ करना महाराज, हम तो सुनते सुनते चिकने घड़े बन गए हैं, आप कुछ भी कहते रहो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा अभी बच्चा है, कोमल है, उसके दिमाग में कब कौन सी बात जम जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसको लाके मैं खतरे में डालना नहीं चाहता। तो ऐसे भी खूब श्रोता आते हैं, जी मन भर कथा सुनने का केवल अहम पालते हैं, उनके आचरण में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, तो क्या फायदा होगा। उत्तम श्रोता वह है जो सुने, सुन करके चिंतन विचार करके आचरण में उतारे। कितना भी उत्तम वैद्य हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितनी भी महंगी दवा आपको दी हो, परंतु जब तक आप उसको खाओगे नहीं, अपने भीतर उतारोगे नहीं, तब तक बड़ी सी बड़ी दवाई, बड़े से बड़े डॉक्टर आपको ठीक नहीं करने वाले। हम लोग सदगुरु वैद्य के पास जाते हैं, भागवत रूपी दिव्य रसायन औषधि को लाते हैं, पर पीते नहीं है ढींग से, केवल बस पूजा करी, प्रणाम किया, और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण है, भागवत सुनने से मोक्ष हो जाता है, प्रेत तर जाते हैं, बातें को भाई दवा में कोई संदेह नहीं, दवा ऐसी ही है, बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, परंतु बीमारी दूर कब होगी, जब हम पिएंगे दवा को। पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए पीने पर जोर दिया है, केवल सुनने तक सीमित, कान तक मत रखो, पिबत भीतर उतारो, क्योंकि भीतर उतरेगी तभी ये फायदा देगी। भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात, भव रोगी की औषधि है ये।